अब्दुल्ला का वनवास। अब तारीख नहीं, मंदिर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से चल रहे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में अब फैसले की उम्मीद जग रही है, क्योंकि 26वें दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कह दिया है कि उन्हें उम्मीद है कि 18 अक्टूबर तक इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली जाएगी। सभी पक्ष इसमें प्रयास करें। हालांकि इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के रास्ते को भी खुला रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर पक्षकार चाहते हैं तो मध्यस्थता का रास्ता भी अपना सकते हैं। इस बारे में वो अदालत को बता सकते हैं। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें मध्यस्थता पैनल की ओर से चिट्ठी मिली है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कुछ पक्ष अभी भी मध्यस्थता करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि इस दौरान मामले की रोजाना सुनवाई बंद नहीं होगी, बल्कि सुनवाई ऐसे ही चलती रहेगी। साथ ही अदालत ने भरोसा दिया कि मध्यस्थता की प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस के निर्देशों की पृष्ठभूमि में सभी पक्षों ने केस के संबंध में अपनी दलीलों की समय सीमा बताई। वकील राजीव धवन ने कहा कि मुस्लिम पक्षकारों को मौजूदा और अगला पूरा सप्ताह अपनी दलीलें खत्म करने में लग जाएगा। हिंदू पक्षकारों ने कहा कि उस पर क्रॉस आर्गुमेंट के लिए हमें 2 दिन लगेंगे। धवन ने कहा कि उसके बाद मुझे भी 2 दिन लगेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप लोगों ने जो समय सीमा दी है उससे उम्मीद है कि 18 अक्टूबर तक सभी पक्ष कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें रख लेंगे, और अगर इसी तरह यदि सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी हो गई, तो 17 नवंबर को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के रिटायर होने से पहले सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला लिखने और सुनाने के लिए 1 महीने का वक्त मिलेगा, यानी कि 4 हफ्ते, और इन्हीं 4 हफ्तों में राम मंदिर पर फैसला आ जाएगा। यानी कि साफ तौर पर ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि अब राम लला का वनवास पूरा हो जाएगा, अब उन्हें टेंट में नहीं रहना पड़ेगा। अब तारीख पर तारीख नहीं होगी, क्योंकि अब तो मंदिर बनकर रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप भी इस खबर पर अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।